तो हे व्हाट्स गाइस, तो सारे सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिगन पे। एंड गाइस, वी आर अगेन प्लेइंग बैट स्काई ब्लॉक सीजन 2। यप गाइस, वी आर प्लेइंग बैट स्काई ब्लॉक सीजन 2 एंड एपिसोड मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक है, बट आज गाइस अपन लोग एंडर ड्रैगन को मारने वाले हैं एंड अपनी 20th क्वेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। एंड फिर उसके बाद जो हमारी बोनस क्वेस्ट शुरू होंगी, जो होगा मेन गेम, मतलब कि गेम चेंजर होगी भाई बोनस चेस्ट। ठीक है, तो फिर करते वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स वीडियो गेम टू आर उड़े भाई। ओके, जैसे मैंने कहा कि आज जो हम एंडर ड्रैगन को मारने वाले हैं, पर उससे पहले ही मेरे पास तीन तीन एंडर ड्रैगन के हेड हो चुके हैं। ठीक है, तो या मैंने जो है यहाँ पे विलेजर्स वगैरह को भी जो है कर दिया, लाइक जो भी हमको ट्रेड चाहिए थे वो भी सारे फिक्स हो चुके हैं फिलहाल के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ लाइब्रेरियंस मैंने रखे हैं, एक ये दो रख लिया हमने, क्या कहते हैं इनको, क्लैरिक आई थिंक, तो या क्लैरिक, हाँ क्लैरिक कहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने एक स्टोन कटर, स्टोन माइसन जो भी है ये, एंड ये भी थोड़े बुचर वगैरह भी रख लिए हैं। ठीक है, एंड अपने थोड़े से फार्मर रख लिए फॉर गोल्डन कैरेट्स, एंड एक ये टूल स्मिथ भी रख लिया है मैंने। हाँ, टूल स्मिथ ही, अब टूल स्मिथ भी रखा है एंड वेपन स्मिथ भी है, तो हम वेपन्स, टूल एंड आर्मर तीनों चीज़ें खरीद सकते हैं। एंड बुक्स में जो है मैंने थोड़ी बुक्स कलेक्ट की हैं, जैसे कि यहाँ पे लूटिंग 3 है, ये लूटिंग 3 का पूरा, एंड ये प्रोटेक्शन है, पंच है थोड़ी बहुत, ये पता नहीं क्या क्या, मेंडिंग आई थिंक, तो ये देखते हो एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें जो है मैंने विलेजर से कलेक्ट की हैं जो मैंने बाद में मार दिए थे। एंड मैंने स्पोनर को भी रिमूव कर दिया क्योंकि बहुत सारे विलेजर हो गए थे। ठीक है, तो ये बताते हैं ये वाला कौन सा है हमारा, ये है हमारा आई थिंक सिल टच वाला। ठीक है, बुक शेल्फ एंड सिल टच वाला ये, एंड ये कौन है, एंड ये है मेंडिंग, एंड ये क्या दे रहा है, एंड अनब्रेकिंग वन, अनब्रेकिंग वन है, ठीक है कोई बात नहीं। एंड ये है अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 5, एंड रेस्प्रेड, मतलब दो दो अच्छी अच्छी बुक्स देता है भाई ये तो। ठीक है, एंड ये क्या है, प्रोटेक्शन 3 एंड लूटिंग 3। ठीक है, मैंने इसकी बाकी खोली नहीं है अभी तक, आई थिंक सो मेरे पास ख़त्म हो गया होगा सामान। ठीक है, तो अभी जो है आज अपन एंडर ड्रैगन को मारने वाले हैं, एंड अपने लिए आर्मर वगैरह जो भी चाहिए रहेगा वो हमें मिलेगा इनसे, जो देख सकते हो 8-8 एमरल्ड में इजीली हमको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे और भी हैं थोड़े से, ये देख सकते हो भाई, पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम आर्मर खरीदने वाले हैं, मैं आर्मर खरीद लेता हूँ। एंड मैंने इतने सारे एमरल्ड भी इनसे ही कलेक्ट किए हैं, कल रात को मैं बहुत ट्रेड किया इनसे, एंड देख सकते हो 1 स्टैक ऑफ एमरल्ड ब्लॉक है भाई मेरे पास। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं, एंड अपने जो है जो भी क्या कहते हैं बुक्स वगैरह ले आते, थोड़े से बुक्स भी इधर ही होंगे ना, नहीं बुक्स इधर नहीं है। ओके, तो भाई जल्दी से ट्रेड कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमको आर्मर खरीदना है अपने लिए, तो आर्मर के लिए देख लेते हैं हम पेंट खरीद लेते हैं एक, आई थिंक सो मैंने खरीद रखा है क्या, नहीं मैंने कुछ भी, मेरे पास शील्ड वगैरह मैंने अभी भी ले रखी है इनसे, मैंने कल ही ट्रेड कर लिया था ये थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मेन अभी आर्मर ट्रेड करते हैं, एक पेंट ले लेते हैं। ठीक है, एंड अभी इसको खुलना बाकी है यार, बहुत सारी चीज़ें। ओके ठीक है, पहले जो है हम इसका ये वाला लास्ट ट्रेड तक अनलॉक कर देते हैं, क्या चेन वाले आर्मर खरीद देते हैं। ठीक है, ओके तो गाइस हमारा हेलमेट भी खुल गया, तो एक हेलमेट भी ले लेते हैं। ठीक है, एंड ये चेन वाले आर्मर को इधर डाल देते हैं। ऑलराइट, अब खरीदते हैं हम अपने बाकी की चीज़ें। ओह शिट, रात हो गई, मुझे लगा मैं क्या, ये क्या ग्लिच हो गया भाई। ठीक है, रात हो गई, रात हुई है भाई, मैं फट गया था मेरे अभी। ठीक है, सो जाते हैं जल्दी से, ट्रेड कर लेते हैं जल्दी से। हमको खरीदना है एक शूज़ एंड अपने लिए एक शर्ट। ठीक है, तो लाइक देख सकते हो हमारे पूरा डायमंड आर्मर कंप्लीट हो गया, लाइक बिना डायमंड खर्च किए, लाइक लिटरली यार क्या चीज़ है ये। ठीक है, एंड हमारे पास शील्ड भी है, लाइक आपको पता है शील्ड भी हम इनसे ट्रेड कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, अब जाते हैं हम वेपन स्मिथ के पास, भाई खड़ा हो जा। एंड वेपन स्मिथ भी देख सकते हो हमको एक्स वगैरह दे रहा है, बट हमको नहीं चाहिए क्योंकि भाई हमारे पास शार्पनेस 10 पड़ा है। ठीक है, तो हम थोड़े से गोल्डन कैरेट खरीदेंगे अभी, पर मैं पहले शो के आता हूँ, देखते हैं अभी रात हुई कि नहीं हुई। शो के आता हूँ कुछ भी। एंड इधर ये गोल्डन कैरेट खरीद लेते हैं बहुत सारी, जितनी भी हो सकती है हमारे पास। ओके, 45 इनफ है यार, क्योंकि इतनी बड़ी फाइट भी नहीं होने वाली है। एंड टूल स्मिथ के बाद दिखा देते क्या क्या है। टूल स्मिथ हमको एक्स एंड पिक एक्स देता है, जो फॉर्चून 1 की है। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मुझे बुक्स लेनी है, लूटिंग 3 ले लेते हैं एक, एंड एक ही चाहिए, एफिशिएंसी नहीं चाहिए अभी के लिए। या मैं गाइस एक बार रुको, मैं ना यहाँ से सभी चीज़ खरीद लेता हूँ एक बार, डायमंड कर लेते हैं अपने पास। एक ये खरीद लेते हैं एंड एक ये खरीद लेते हैं। ठीक है, ये भी आ गया, ठीक है बहुत सही। एंड एफिशिएंसी भी ले ही लो चलो।
एंड सिल्क टच भी ले लो गाइस। हम एक और चीज़ बनाने वाले हैं आज, एक और बता दूँ, प्रोटेक्शन 3। ये सारे प्रोटेक्शन की बुक्स तो भाई भर भर के ले लो, क्योंकि मैं इनको कंबाइन करूँगा अभी। नहीं, बहुत तो है मेरे पास अच्छी खासी। ओके, तो ये जो भी इंचांटमेंट वगैरह करने थे वो सारी की सारी कर ली है। लाइक मैंने अपने पूरा आर्मर इंचांट कर लिया। अगर मैं दिखाऊं इसके अंदर, अगर आप चेक करो, प्रोटेक्शन 4 है, अनब्रेकिंग 3 एंड मेंडिंग है जो बहुत सही है, एक्वा इन्फिनिटी, वो सारी जो भी एक्स्ट्रा इंचांटमेंट होती है मुझे लगता है वो ज़रूरत है फिलहाल के लिए। बस वुड्स के लिए हमको थोड़े फैदर फॉलिंग वगैरह लेने पड़ेंगे, जो मैं ले लूँगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें होगी एंड यहाँ पे आप हमारे टूल्स वगैरह को भी चेक कर दो, सिल्टच एफिशिएंसी एंड इसके अंदर ये सारे। एंड ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने बहुत कम अनब्रेकिंग वगैरह डाल रखा है, ठीक है। एंड हमारी लकी वो बहुत तगड़ी है, एंड मैंने इसको भी जो है अनब्रेकिंग 3 डाल दिया, ठीक है। एंड मेरे पास ऑब्सीडियन है जिसका हम बनाएंगे एंडर चेस्ट, ठीक है। तो एक बार एंडर चेस्ट भी बना लेते भाई, वो भी थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ से ले लेते हैं 2 एंडर पर्ल फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड ब्लेज रोड बहुत सारे पड़े होंगे मेरे पास यहीं कहीं पे, यहाँ पे आप देख तो ब्लेज रोड पड़े हैं। एंड ये सारे ब्लेज रोड जो है मुझे उसी से मिले हैं, लकी कुकी से मिले हैं, ठीक है। मैं लेके नहीं आया हूँ इसको नैदर से, ओके। लकी कुकी खाता रहता तो भाई मुझे मिलता रहता है, ठीक है। तो बना लेते जल्दी से, एक बहुत है। एंड अभी जो है हम अपना एंडर चेस्ट बना सकते हैं इजी पीजी। अरे यार बकेट तू हटना, ओके। एंड बूम गाइस, हमारी एंडर चेस्ट भी आ चुकी है। एंड मुझे शायद 2 बनाने चाहिए थे, मैं एक ही बना के लाया हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। होता है हमेशा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। एंड द लास्ट थिंग, हमको एंड पोर्टल बनाना है। सो एंड पोर्टल भी जो है मैंने लकी कुकी से बहुत सारे इकट्ठा कर रखे हैं, कहाँ गए बस दिखने पड़ेंगे मुझे कहाँ है। ये एंड पोर्टल भी मिल चुका है जो, एंड मेरी बो यहाँ पे पड़ी थी पहले वाली, मैंने नई बो ऐसी बना ली। एंड यहाँ पे एंडर आईज वगैरह भी पड़ी हुई हैं। एंड ये क्या है, पावर 2, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 11 है, बट हमको 12 चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हमको एक और एंड पोर्टल बनाना पड़ेगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ कैसे बनाते हैं उसको। ओके, तो गाइस यहाँ पे एंड पोर्टल की रेसिपी जो है मुझे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी है। लाइक डबल कंप्रेस सैंड, एम्बरल्ड एंड ऑब्सीडियन शार्ड, मेन आता है ऑब्सीडियन शार्ड जो मेरे पास पड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं है, देख सकते हो भाई इतने सारे ऑब्सीडियन शार्ड हैं। इतना भी गरीब नहीं हूँ भाई, अपन लोग एंड पे हैं, इतना भी गरीब नहीं है, ठीक है। एंड मेरे पास एमरल्ड बहुत सारे हो चुके हैं भाई, वापस से मैंने बहुत ट्रेड की, देख ही सकते हो भाई एमरल्ड मैंने भर लिए हैं वापस से। सिर्फ 2 ब्लॉक्स चाहिए, तो 2 ब्लॉक्स निकाल लेते हैं बस। एंड डबल कंप्रेस सैंड एंड सैंड तो आपको पता ही है भाई, अपने पास भर भर के सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड मैंने अभी तक जनरेटर्स पूरे किए नहीं, पता नहीं क्यों, बस कर देंगे इनको बाद में पूरे कर लेंगे, ठीक है। एंड डबल कंप्रेस चाहिए था ना, ये अब डबल कंप्रेस चाहिए थे, एक ये ले लेते हैं। एंड ओके, तो डबल कंप्रेस सैंड भी हो चुका है, जल्दी से एक और एंड पोर्टल भी बना लेते हैं अपने लिए। ओके, नहीं हमारे पास लास्ट पोर्टल भी आ चुका है, तो जल्दी से इसको प्लेस करते हैं। एंड मुझे थोड़ी सी एंडर आइज और लगेंगी, आई थिंक सो, मेरे पास 7 हैं तो बना लेते हैं, कितने 8 हो गई, 9, 10, 11, 12, मुझे थोड़ी सी और बनानी पड़ेंगी, सारी ले लेते हैं। एंड एंडर पोल भी है यहाँ पे थोड़ी सी, एंड अपनी एंडर पोल ऊपर से भी सारी लेनी पड़ेगी मुझे, पता नहीं क्या करता रहता हूँ मैं। ये भी ले लेते हैं 7, ओके चलो बनाते हैं जल्दी से। ओके, सिर्फ 12 ही रखते हैं अपने पास, क्योंकि अपन को इसको फाइंड करने की ज़रूरत तो है नहीं, हमको खुद ही बनाना पड़ेगा, तो 12 रखते हैं अपने पास अभी के लिए। तो चलते हो इधर, एंड यहाँ पे हमने एंड पोर्टल की जगह भी बना दिया भाई, देख सकते हो यहाँ पे हमारी एंड पोर्टल की जगह भी आ चुकी है। तो लगाते हैं इसको जल्दी से, वेट अ मिनट, बड़ू
गाइस इसको ध्यान से लगाना यार, अगर आपने गलत लगाया ना तो ये अनब्रेकेबल है, ठीक है, तो एकदम ध्यान से लगाना है इसको। मैंने शायद ये गलत लगा दिया, नहीं मेरे को जहाँ तक लगता नहीं है, बट ठीक है, बट ध्यान से लगाना है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इसको लगाने के लिए बस एक सेंटर पोजीशन पे खड़े हो जाओ एंड ऐसे ऐसे लगाओ, ठीक है, ऐसे घूमते घूमते लगाना है आपको, ठीक है, तभी जो है एकदम परफेक्टली लगते हैं, नहीं तो ये पता नहीं चालू नहीं होता ये पोर्टल, ठीक है। नेदर पोर्टल की तरह नहीं है कि कैसे भी लगा दो उड़ा टेढ़ा ये चल पड़ेगा, नहीं, इसमें एक अलग डिफरेंट मैकेनिक रहता है इनका, पता नहीं क्यों बटिया रहता है, ठीक है। ओके तो गाइस मुझे लगता है कि मैंने इसको सीधा लगा रखा है, लाइक जैसे होने चाहिए वैसे ही लगा रखा है। अब मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ठीक है, चलो एक बार करते हैं चालू, लेट्स सी, अगर होगा सीधा तो ठीक है, नहीं तो ये अनब्रेकेबल है। लाइक अगर देखो मैं इनको तोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे ऑब्वियसली क्रिएटिव में जाके चेक करना पड़ेगा, तो लगाते हैं देखते हैं चालू होता है कि नहीं होता। ओके ओके तो गाइस देख सकते हो पोर्टल चालू हो चुका है। जैसे मैंने कहा था कि ये वाला गलत लगाया था, क्योंकि मैंने ये वाला जो है इधर खड़े होकर लगाया था, ना कि ऐसे लगाया था, ठीक है। तो बस मैंने इसको ब्रेक किया क्रिएटिव में जाके एंड इसको वापस से प्लेस कर दिया एंड पोर्टल हमारा चल पड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है मैं नेदर में जाऊंगा नहीं, एंड मैं जा भी सकता हूं एंड में, पहले बता दूं मैं जा सकता हूं क्योंकि मेरी इन्वेंटरी जो है वो ट्रू है, और ट्रू इन्वेंटरी का मतलब रहता है कि आपको जो है कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करें जाके, जाते ही जो है हम मर जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये आर्मर उतार देता हूँ, वैसे बहुत डैमेज है, बेफालतू का डैमेज और नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, चलते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। ओ भाई गाइस ये क्या है, व्हाट द हेक, यहाँ पे एंड ही नहीं है भाई, जैसा मैंने कहा था भाई यहाँ पे एंड नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं गाइस, चलते हैं मरते हैं, घर चलते हैं भाई, मैं अभी नहीं आ रहा लड़ने के लिए इनसे, मैं नहीं हूँ पागल नहीं हूँ मैं, ठीक है, चलते घर पे। तो अभी अपन लोग करने वाले एंडर ड्रैगन फाइट और मैं लिटरली एक्साइटेड हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एंडर ड्रैगन को मारूंगा एंड एंडर ड्रैगन इस मोड पैक में एंड सॉरी जो हमारा ड्रैगन एग होता है वो ड्रॉप नहीं करता, मैं पहले ही बता दूँ, इट्स ट्रू, वो ड्रॉप नहीं करता आपको, ड्रॉप सॉरी जो एंड क्या कहते हैं, जो हमारा ड्रैगन का एग है वो क्राफ्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट चेक किया था वो ड्रॉप नहीं करता है, ठीक है। तो आपको क्राफ्ट करना ही पड़ेगा, अब क्राफ्ट करना इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको शेल्स चाहिए एंड ब्रेथ चाहिए एंड इन दोनों को कंबाइन करके आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो मारना है या नहीं मारना वो आपके ऊपर है, बट अगर आप मारते हो तो आपको एक अचीवमेंट रहेगा कि हाँ आपने भाई इसके अंदर मारा है, बिना आईलैंड के होते हुए मारा है। और नहीं मारना चाहते तो मत मारो, आपकी गेम तो भी कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप एंडर ड्रैगन का एग क्राफ्ट कर सकते हो सीधा, ठीक है। तो अभी ब्रेक लेते हैं, मैं अभी आता हूँ, फिर उसके बाद मारते हैं, ठीक है, मिलके। ओके तो भाई देख सकते हो मैं फाइनली रेडी हो चुका हूँ। मैं अपनी चेस्ट प्लेट नहीं लेके जा सकता क्योंकि मुझे एलिट्रा लेके जानी है, तो इसलिए मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है। चेस्ट प्लेट को हम रहन देंगे अभी के लिए, ठीक है, पता नहीं बस अभी रहन देते हैं चेस्ट प्लेट को, या ले जाते हैं लाइक जब हम मेन बैटल करेंगे, जब एलिट्रा की जरूरत नहीं होगी ना तब चेस्ट प्लेट पहन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको अभी एक एंडर चेस्ट बनानी है अपने लिए फिलहाल, यहाँ पे गाइस एक एंडर चेस्ट क्रिएट करते हैं, एक और क्रिएट कर ली, देखो एक तो इधर है एंड हम एक अपने साथ लेके जाने वाले हैं, ठीक है, तो इसको भी इधर रख लेते हैं। ओके एंड वेट अ मिनट, मैं एक ऑब्सीडियन रख दूँ, गलती से ले लिया। ओके तो हमारे पास एक एंडर चेस्ट आ गई, कुछ ब्लॉक्स आ गए एंड ये वाला सामान भी रख देते हैं क्योंकि हम गोल्डन कैरेट लेके जाने वाले हैं, एंड तू भी जा, ठीक है। ये देख सकते हो गाइस अभी फिलहाल सामान हो गया, मैंने रॉकेट्स लिए हैं, लाइक मैं थोड़े से और रॉकेट बना लेता हूँ, शायद ज़रूरत पड़ जाए क्योंकि आपको पता है रॉकेट्स का बहुत कम पड़ जाता है कभी कभी। तो भाई यार गन पाउडर नहीं है मेरे पास। ओके अब गाइस हमारे पास इनफ गन पाउडर नहीं है क्योंकि ये फार्म में जो सामान है वो ऑटोमेटिकली डिस्पॉन होता रहता है, क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं है फार्म की स्टोरेज के लिए, अभी मुझे खुद ही करना पड़ता है, तो यार डिस्पॉन होता रहता है यार सामान। ओके कोई बात नहीं गाइस, हम एक स्टैक रॉकेट से काम चलाना पड़ेगा अभी के लिए तो फिलहाल। ओके रिप्टाइड है यहाँ पे, रिप्टाइड गाइस रिप्टाइड से काम हो सकता है, क्योंकि मैं अगर वाटर करता रहूँ हर एक जगह पे, बट नहीं यार रिप्टाइड भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक तो मुझे एक स्टैक रॉकेट से ही फिलहाल काम चलाना पड़ेगा, एंड मैंने शील्ड को भी रख लिया है एंड बाकी सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं, आई थिंक तो सभी चीज़ हो चुकी है ना फिलहाल। एंड या गाइस थोड़ी सी बोतलें ले लो, हमको सारी की सारी ड्रैगन ब्रेथ को इकट्ठा करना है, तो थोड़ी सी मैं बोतलें ले लेता हूँ।
ओके तो गाइस 54 हो चुके हैं एंड ये मुझे सारी की सारी भरनी है, क्योंकि हमको नहीं पता कि जो बोनस क्वेस्ट है उसके अंदर भी जो है अगर बाय मिस्टेक आ जाता है हमारे पास क्या कहते हैं ड्रैगन एग का, तो हमको बार बार ड्रैगन को मारना नहीं पड़ेगा, हम सीधा बोतलों से जो है उनको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत सारे लेके आऊँगा एक साथ। ओके तो अब भी चलते हैं, इसको भी रख लेते हैं। ओके एंड वाटर बकेट ले लेना भाई, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है तो भाई अभी चलते हैं, एक मिनट मैं सो जाता हूँ भाई, पहले तो मेरे को सोने दो एक बार कि ख़त्म करके आते हैं उसको। ओके चलो यार चलते हैं। ओके गाइस ड्रैगन है यहाँ पे एंड सबसे पहले हम आइलैंड बनाते हैं भाई। वो ड्रैगन बोल अभी से फेंक रहा है भाई, बहुत सही। सबसे पहले मुझे एक आइलैंड बना दे यार छोटा सा, मुझे ड्रैगन ब्रेथ कलेक्ट करनी है तेरी। आ हो गया, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। ओके ओके गाइस देख सकते हो हमने प्लेटफॉर्म पे एंड यार इसके बाद कुछ ज़्यादा ही एंड यार ये ड्रैगन ब्रेथ को नीचे क्यों फेंक रहा है मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे ब्रेथ इकट्ठी करनी है। बट मैंने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया बट ये प्लेटफॉर्म तोड़ सकता है, क्योंकि मुझे एक लेवल नीचे से बिल्ड करना चाहिए था, बट या मैंने बेडरॉक के हिसाब से बिल्ड कर दिया तो उस कारण से हुआ नहीं है। तो अगर ये इस साइड मूव करे तो भाई कुछ काम बने, हिट करते हैं इसको शायद तो कर दे कर इधर। ओके तो गाइस मुझे मैं गेम रीस्टार्ट करके आया हूँ, क्योंकि वापस आवाज़ चली गई थी मुझे नहीं पता कैसे, बट हाँ ग्लिच हो गया था कोई। ठीक है तो अभी ब्रेथ आ रही है, देख सकते हो इसने मेरे साइड मूव करना शुरू कर दिया अभी, पीछे 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 पीछे। अरे भाई सारी नीचे फेंक दी गधे, इधर आ इधर आ। तो जब तक ये पूरी बोतलें होती नहीं है तब तक मैं इसको हर्ट नहीं करूँगा, ठीक है, तब तक इसको बेचारे को जीने देते थोड़ा सा। इस साइड मूव कर, बहुत गधा है यार ये तो। हेलो सर गाइस, फिर से आवाज गई गाइस, क्या चीज़ है यार ये, क्या ग्लिच है। मैं आता हूँ गाइस, दो मिनट फिर से करना पड़ेगा मुझे ये चीज़। ओके भाई भाई ग्लिच बार बार हो ही जा रहा है भाई, एंड गेम सेफ भी नहीं हो रही है। देख रहे हो मेरे पास कितनी बोतलें थी और अभी देखो कितनी रह गई, ये बार बार इसकी आवाज़ चली जा रही है मुझे नहीं पता कैसे। बट
बूम गाइस फाइनली मार दिया भाई, इतने ग्लिच किया इतने सबके बाद फाइनली बीटेबल है यार ये। अब एक्सपी चाहिए मुझे। वेट अ मिनट, आजा 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 आजा। ओके सारी एक्सपी तो नहीं आ पाई, बट जितनी भी है आ गई। एंड प्लेटफॉर्म बच गया, लाइक मैंने इसको थोड़ा सा और रिपेयर किया था, ठीक है भाई। ग्लिच इतना हो रहा था ना, पता नहीं बार बार आवाज़ जा रही थी, पता नहीं बार बार क्या क्या हो रहा था इसके साथ, ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे एंड पोर्टल ढूंढना है, इधर किधर ही होना चाहिए। वो रहा, मिल गया। तो एक बार चलते हैं एंड के अंदर, एंड शल्कर्स के शेल्स ले आते हैं थोड़े से। ओके मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है यार, पहले तो वेट अ मिनट, मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ इधर आके, और पानी की बकेट डाल देते हैं बस। नहीं थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अबे रॉकेट कहाँ फूट रहे हैं भाई, अच्छा सॉरी मेरे ही हैं। अरे भाई लग जा यार। ओके वेट अ मिनट गाइस, हो जाएगा। अरे कहाँ गया, अरे यार ये तो ओके, ये रहा। ओके छोट, अरे नहीं लग रहा भाई, हार्ड है गाइस ये, मैं कभी ऐसे प्लेस नहीं करता हूँ उड़ते। अरे लग गया। अरे चल, ओ गाइस ये क्या हुआ, यहाँ पे आइलैंड रेंडर हो गया, ये कैसे हुआ, यहाँ पे आइलैंड स्पॉन कैसे हुआ, सीरियसली ये क्या चीज़ है, जब मैं मर रहा था तब तो नहीं हुआ था। ओके गाइस पानी में जंप करते हैं एंड चलते हैं ऊपर। ओके गाइस हम पहुंच गए एंड में, पता नहीं कैसे बट एकदम से जैसे मैंने पानी उठाया मैं एकदम से टेलीपोर्ट हो गया। ओ ये गाइस हमारे पास लीटर है तो मैं ज़्यादा उड़ूंगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई वो नहीं है हमारे पास, फायरवर्क्स नहीं है इतने सारे। तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो एंडर चेस्ट के अंदर कुछ सामान डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, एंडर पर्ल्स अभी रहने देते हैं, 6 पे कह रखा है तो 12 कर देते हैं। ओके 11 ही हो सकते हैं, पता नहीं ये शायद पुराना वर्जन है इसलिए शायद इतने ही हो सकते हैं, नहीं तो मैं नए वर्जन में 24 तक जा सकता हूँ मैं आराम से, बट ठीक है अभी के लिए इतना ही ठीक है। एंड ओके ठीक है कोई नहीं, चलते हैं देखते हैं। अरे ये क्या गाइस, ये देखो छोटे एंडरमैन है इसमें, वो देख कहाँ गया, ये देखो। ओ शिट, नहीं, देख लिया। हो भाई ये छोटे एंडरमैन ने देख लिया, क्या था यार ये, आजा। ओके एंडर पॉल्स मिल गए थोड़े से, एंड कोर्स फ्रूट भी ले लेते हैं थोड़े से। क्या मैं यहाँ से एंडर पॉल फेंक सकता हूँ गाइस? ओके चलो यहाँ से उड़ के जाते हैं थोड़ा सा। ओके तो गाइस पता नहीं अभी तक एंड सिटी मिल नहीं रही, मैं घूम घूम के सेम जगह पे आ रहा हूँ, बट फिलहाल तो देखो हमें कोई निशान देखना ही था। चलो इस साइड चलते हैं, लेट्स सी कुछ मिल जाए शायद इस साइड, आई थिंक सो नहीं, मुझे इस साइड जाना चाहिए, नहीं इस साइड ही चलते, चलो ठीक है इस साइड चलते हैं। आई थिंक सो पीछे से आया था, मुझे डायरेक्शन भी याद नहीं है इनके चक्कर में, ठीक है। ओके ओ भाई नहीं, चल फाइनली। ओह भाई फाइनली बस मुझे शेल्स चाहिए, मुझे बाकी से जो भी एलिट्रा उससे कोई केयर नहीं है, एंड इसमें एलिट्रा है भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। एंड ये ग्लासेस है पिंक से हैं, ये क्या है इनमें, ओके तो चेस देखो भाई डायमंड भाई शुक्र है चलो। ओके एंड इसमें क्या है, ओ वो तो हैक मेंडिंग के साथ है भाई, ये स्वॉर्ड है नॉकबैक स्माइट, भाई साहब ये क्या क्या है, नॉकबैक ठीक है बट स्माइट नहीं चाहिए मुझे, स्माइट है मुझे घटिया लगता है, इसको पहलते हैं बस एक बारी। अरे नहीं बच गया।
ओके पता नहीं, मैंने ऑलमोस्ट लूट तो लिया है अब। ठीक है छोड़ते हैं बाकियों को। यार आई थिंक तो मुझे बाकी रहने देने चाहिए। मेरे को कितने सेल्स हैं? 11 है यार, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। बट अभी फ़िलहाल की तो मुझे इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एंड सिटी के अंदर इतने जो है नहीं, एंड मेरे पास फायर वर्क्स नहीं है कि मैं और उड़ूँ। एंड ठीक है समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है तो अभी के लिए जाते हैं, बाद में जब फायर वर्क्स आएंगे तब जो है ट्राई करेंगे। ठीक है तो अभी क्या करते हैं, ऐसे कूद के मर जाते हैं। चलो यप गाइस, एंड हम सीधा घर पे टेलीपोर्ट हो जाएंगे, इजी पीजी, कोई ज़्यादा है नहीं अपन को। एंड जो ब्लॉक्स वगैरह हैं वो भी लेके आऊँगा, ये पिंक पिंक बॉल ब्लॉक हैं ये भी सारे लेके आएंगे। ठीक है तो हमारे पास सेल्स आ चुके हैं। एंड ये वेट मैट ये वापस से पहन लूँ मैं। ठीक है तो हमारे पास सेल्स हैं एंड हमारे पास ब्रेथ भी है। ठीक है तो अब और क्या चाहिए? और हमको चाहिए ऑब्सीडियन शार्ड्स, ऑब्सीडियन शार्ड्स, एक एग चाहिए। मैं एग लेके आया, वेट मिनट। अरे अब गाइस देख सकते हो हम एक बना सकते हैं। तो ऑल राइट हमने एक बना लिया है, तो अभी फाइनली फाइनली क्वेस्ट कंप्लीट करके आते हैं। ठीक है ऑल राइट फाइनली गाइज हो चुका है ये भी। ओके लेट्स वेट फॉर आर सॉरी रिवॉर्ड। कितने दिनों के बाद सेम चीज़ बोल रहा हूँ यार, लेट्स वेट फॉर आर रिवॉर्ड। चलो क्या क्या, कुछ खास नहीं है लाइक एक्सपी हेड मिला जो मेरे पास था, एक एंडर चेस्ट, वापस एक एंडर चेस्ट मिल चुकी है जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ भाई। चलो ठीक है एंड अब रिवॉर्ड है जो हमारी, अब बोनस चेस्ट आएंगी, बोनस क्वेस्ट, हाँ बोनस क्वेस्ट नाम से आएंगी। ठीक है तो वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोनस क्वेस्ट #1। ठीक है एंड लेट 3D इसमें क्या है, मेरे को लगता है भाई डिफिकल्ट तो होगी, मैं कह रहा हूँ डिफिकल्ट होगी। 1 इलीट्रा, लो यार मैं क्या, ये लो शायद हो जाए, वेट अ मिनट शायद हो जाए, नहीं हुए। मुझे एक शायद इलीट्रा लेके आता हूँ एक और, इसका लकी, अच्छा इसका नाम लकी इलीट्रा है, मुझको इसको इलीट्रा में कन्वर्ट करना है। वेट अ मिनट गाइस मैं अभी आया, पूरा डिसइंचेंट करना पड़ेगा आई थिंक। सो डिसइंचेंट करने के बाद इसका नाम चेंज कर देते हैं, अरे ये नहीं, नाम रख दिया इलीट्रा एंड सारी चीज़ें हटा दी हैं इसके अंदर से। एंड आई थिंक सो अब ये वर्क कर जाना चाहिए। पहले तो मैं थोड़ी सी अपनी इन्वेंटरी खाली कर लेता हूँ। ओके तो गाइस चलते हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके तो गाइस कंप्लीट हो चुकी है हमारी ये वाली क्वेस्ट भी, बस नाम चेंज कर दिया तो हो गया। ठीक है एंड वो व्हाट द हैक भाई, ये क्या है, एंडरमैन के स्पॉन एग्स हैं, दो हैं आई थिंक, तो ये अब दो हैं। एंड शल्कर के स्पॉन एग्स हैं हमारे पास 44 भाई साहब, एंड ये 16, एंड गोल्ड एप्पल, एंड एक इंचांटमेंट टेबल, शुक्र मैंने बनाया नहीं, मुझे मिल गया। ठीक है एंड एक इलीट्रा, एंड ये अरे भाई क्या ये इतने घातक सामान कैसे भे। ओके तो वेट करते हैं आप नेक्स्ट क्वेस्ट की। अच्छा आ चुका है क्वेस्ट, आ चुका है। ठीक है पढ़ लेते हैं क्या है। बोनस क्वेस्ट #2, 10 टोटम ऑफ अनडाइंग, 10, सीरियसली 10 मांग रहे हो तुम लोग, मुझे बता कितनी, 10 रेड करवानी पड़ेंगी सिर्फ इसको लेने के लिए भाई साहब। ओके नो इवोकर एंड रेड, अरे यार मुझे पता है इवोकर ड्रॉप करता है, कितने गधे हो यार तुम, मुझे टिप दे रहे हो उसकी। अरे यार ये क्या चीज़ है, मैं टोटम को क्राफ्ट नहीं कर सका, 2 मिनट रुको मैं टोटम को क्राफ्ट करने की ट्राई करता हूँ। अरे अब गाइस हम टोटम को क्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब मुझे इसे कंप्लीट ही करना पड़ेगा, पता नहीं यार ये क्या चीज़ है। ठीक है कोई नहीं, एंड ये जो शल्कर हैं इनका जो है मैं एक स्पॉनर बनाऊंगा, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। एंड यहाँ पे अभी बुक शेल्फ आएंगे। ठीक है तो ये जो शल्कर है ना, शल्कर के जो एग्स मिले इनका हम स्पॉनर बनाएंगे। ठीक है एंड मस्त एक अपने लिए जो है अपना शल्कर फार्म बनाएंगे, ठीक है जिससे हम शल्कर के शेल्स ले पाएँ फ्री में। ठीक है तो बनाएंगे इसका अभी नहीं, बट हाँ बनाएंगे, टेंशन मत लो, सून इनफ बना देंगे। तो इन सबको भी जो है इधर रख देते हैं। एंड ओके तो गाइस आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें की, लाइक लिटरली यार बहुत सारी चीज़ें की हमने, एंड पोर्टल बनाया, ड्रैगन को मारा, ब्रेथ कटे की, 2 क्वेस्ट कंप्लीट की, एक हमारी एंड ड्रैगन वाली सॉरी एग वाली एंड एक लीटरा वाली क्वेस्ट कट की, एंड सिटी ढूंढी, शल्कर्स को मारा, एंड
बहुत कुछ किया यार, ग्लिच हुए इतने सारे, बार बार मैं फ़ोन को रिस्टार्ट करके आया, पता नहीं क्या क्या किया आज हमने, बट हाँ मज़ा आया भाई। आज तो कुछ ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लाइक क्या होता भाई 10 GB की रिकॉर्डिंग हो चुकी है ऑलरेडी। पता नहीं अब इसको एडिट कैसे करेंगे, बट ठीक है हम कर लेंगे। बस फिर आज की वीडियो के लिए इतना था, आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बड़े वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट। ओके तो गाइस आज की वीडियो लाइक कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, लाइक आधे घंटे की वीडियो मैं कभी नहीं बनाता हूँ, लाइक लिटरली मैं 20 मिनट की वीडियो आराम से एडिट कर सकता हूँ, बट आधे घंटे की वीडियो एडिट करते करते ना लाइक लिटरली फट गई मेरी, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो के पीछे 2 घंटे की कमेंट्री थी एंड 2 घंटे का गेम प्ले था, एंड वो 2 घंटे 10 GB के बराबर थी, पता नहीं क्या था भाई, बहुत सही बट मज़ा आया। बट इसको एडिट करते वक्त हाँ 2 दिन लग गए मुझे, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलता है इतना, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, लाइक कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, लाइक कमेंट्री, गेम प्ले या कुछ मिस्टेक वगैरह आप देख सकते हो, तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में टाइम के हिसाब से जो है मेंशन कर देना कि आपको ये थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है या जो भी है, ठीक है। आप बस एक टाइम के हिसाब से जो है मुझे एक बार बता देना, ठीक है, जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ अपने फ्यूचर वीडियोज में, ठीक है। बट अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन एंड शाउट आउट के बारे में। तो इस वाली वीडियो में जो क्वेश्चन हमने पूछा था वो था, व्हाट ईयर डिड माइनक्राफ्ट 1.15 कम आउट। तो मुझे जैसा लगा था कि बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे एंड बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 2019, या गाइस 2019 को ये वर्जन आया था, एंड इसका जो आंसर दिया वो दिया हमारे गेमर बॉय कार्तिक ने। तो गाइस शाउट आउट, अ ह्यूज शाउट आउट टू गेमर बॉय कार्तिक। ओके तो पूछते हैं गाइस आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है, क्रीपर इज अ रॉन्ग क्रिएशन ऑफ, एक और बार सुन लो, तो क्रीपर इज अ रॉन्ग क्रिएशन ऑफ, मतलब देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई चीज़ बनाई है और आपने उसको थोड़ा सा गलत कर दिया, बट वो उससे भी एक चीज़ बन जाती है, ठीक है, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। जैसे कि था कि एक बंदा AC बनाने की ट्राई कर रहा था, एंड AC की जगह वो क्या ओवन बन गया या माइक्रोवेव बन गया, ये सच्ची में एक स्टोरी है, ठीक है। वो AC बनाने की ट्राई कर रहे थे तो उससे माइक्रोवेव बन गया, एंड उन्होंने उसी को एज अ मार्केट ले गए, एंड माइक्रोवेव आपको पता है आज कितना ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कि जो क्रीपर है वो किसका रॉन्ग क्रिएशन था, लाइक किसको वो लोग बना रहे थे और उन्होंने गलती से क्रीपर को बना दिया। ओके आई होप आपको आंसर आता होगा, और अगर आंसर आता है तो रिस्पेक्टेड रूल्स के साथ जो है आंसर दीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो के अंदर शाउट आउट मिल पाए, ठीक है। तो बस फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और दिन किसी और फाड़ वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।